डिफेंस कॉलोनी लूट में 3 बदमाश गिरफ्तार, लगभग 22 लाख बरामद। साउथ ईस्ट जिला पुलिस ने 4 दिन पहले हुई डिफेंस कॉलोनी की डकैती को सुलझाते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 21,72,000 रुपए, एक इको वैन और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान अबू बकर, जिशान उर्फ मंत्री, उर्फ सावन और आशिफ के रूप में हुई है। साउथ ईस्ट जिले की डीसीपी ईशा पांडे ने बताया कि 15 जुलाई की शाम डिफेंस कॉलोनी फ्लाईओवर पर लूट की पीसीआर कॉल आई थी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो कॉल करने वाले अनिल कुमार यादव और छतर सिंह मिले। उन्होंने बताया कि वे चांदनी चौक में एक कंपनी के लिए काम करते हैं। वे रेडीमेड बाजार में कपड़ा व्यापारियों से भुगतान लेने लाजपत नगर आए थे। उन्होंने 48 लाख रुपए की नकदी दुकानदारों से इकट्ठा की थी, जिसके बाद जब वो पैसे एक कपड़े के थैले में लेकर ऑटो स्टैंड से चांदनी चौक के लिए एक ऑटो रिक्शा किराए पर लिया। ऑटो रिक्शा जब डिफेंस कॉलोनी फ्लाईओवर पर पहुंचा तो 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 लोगों ने उसे रोक लिया। उन्होंने बैग छीनने की कोशिश की, लेकिन अनिल कुमार और छतर सिंह ने विरोध किया। तभी हमलावरों ने उनकी आंखों में मिर्च पाउडर डाल दिया और बैग लेकर फरार हो गए। आप सभी को ज्ञात है 15 जुलाई को 5:45 पर एक वाकया हुआ था डिफेंस कॉलोनी फ्लाईओवर के ऊपर। एक ऑटो में 2 मनी कलेक्टिंग एजेंट्स थे जिनके साथ एक लूट की घटना हुई थी, और उसमें पीसीआर कॉल में इंफॉर्मेशन आई थी कि 2 मोटरसाइकिल्स आई थी, एक लेफ्ट से और राइट से, और उनकी आंख में मिर्ची पाउडर डाल के उनके पास से एक कैश का जो बैग था वो निकाल करके ले गए थे। लूट की इस घटना की गंभीरता को देखते हुए कई टीमों का गठन किया गया, नेतृत्व में अपराधियों को पकड़ने के लिए गठित की गई थी। पुलिस ने जांच के दौरान लगभग 450 सीसीटीवी कैमरों के विश्लेषण के बाद संदिग्धों के प्रवेश मार्ग का पता लगाया। सीसीटीवी फुटेज से 4 लड़कों की संदिग्ध हरकत का पता चला, जिन्हें इलाके की रेकी करते देखा गया था। इसके अलावा रिंग रोड और लाला लाजपत राय मार्ग पर विभिन्न स्थानों पर सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई, जिसमें ऑटो रिक्शा के बाद 2 मोटरसाइकिल पर 4 संदिग्धों की आवाजाही का पता चला। पुलिस टीमों ने मोबाइल डंप डेटा, सीडीआर विश्लेषण और समान कार्यप्रणाली वाले अपराधियों के डोजियर पर काम करना शुरू कर दिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों द्वारा अपराध को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल के पंजीकरण नंबरों का पता लगाया गया और उनके मालिकों को ट्रैक किया गया। पता चला है कि लाजपत नगर इलाके से लूट की घटना के ठीक एक दिन पहले मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी। डम डेटा के रूप में एकत्र किए गए लगभग 10,000 फोन नंबरों का विश्लेषण एक संदिग्ध संख्या के रूप में हुआ। उक्त नंबर श्रीनिवासपुरी निवासी एक हर्ष के नाम से मिला। हर्ष एक इको ड्राइवर पाया गया जो गाजियाबाद के लाल कुआं में स्थित था, जिसकी वैन का इस्तेमाल लुटेरों ने किया था। संदिग्ध नंबरों के सीडीआर और सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण के बाद 4 लुटेरों की पहचान का पता चला, जिसके बाद अबू बकर और जिशान उर्फ मंत्री नाम के 2 संदिग्धों के नंबरों को जीरो इन किया गया। मोबाइल फोन बुलंदशहर यूपी में चल रहे थे। टीम मौके पर पहुंची लेकिन कुछ नहीं मिला। देर रात को दिल्ली के श्रीनिवासपुरी में एक मोबाइल फोन चल रहा था। टीम तुरंत उस जगह पर पहुंची और दोनों आरोपियों को दिल्ली के श्रीनिवासपुरी स्थित उनके ठिकाने से पकड़ लिया गया। हमने इसमें मुकदमा दर्ज किया और 2 टीम्स बनाई, क्योंकि लाजपत नगर डिफेंस कॉलोनी फ्लाईओवर एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, इम्पोर्टेंट एरिया है, और इस तरीके की जो घटना है उससे पब्लिक में कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि हम इस केस को जल्दी से जल्दी सुलझा सकें। तो 2 टीम्स गठित की गई, एक टीम एसीपी जयनारायण जी के नेतृत्व में और दूसरी टीम एसीपी मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में, जो कि पीएस लाजपत नगर और हमारे ऑपरेशन सेल साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं रिस्पेक्टिवली। टीम्स को मेन डायरेक्शन ये था कि जल्दी से जल्दी इसमें सफलता प्राप्त करनी है। एनालिसिस जो पहले हमने इंसिडेंट का एनालिसिस किया, उसमें पाया कि ये जो लड़के थे, 2 कलेक्टिंग एजेंट्स जो थे, अनित कुमार और छतर सिंह थे, और ये अमर कॉलोनी में जो क्लॉथ मार्केट है वहाँ पे गारमेंट की छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ से ये पैसे कलेक्ट करते थे और फिर ये ले करके जाते थे। और अनित ने बताया कि लगभग 13-14 साल से वो ये काम कर रहा है। तो हमें ये तो पता था, अंदाज़ा लग गया था कि किसी ने बहुत अच्छे तरीके से रेकी करके और प्लान करके इस चीज़ को अंजाम दिया है। हम पहले उनको भी रूल आउट करना चाहते थे कि कहीं उनकी तरफ से तो कोई मुखबिरी नहीं हुई है, तो हमने उस पर भी काम किया। और रूट, इंटायर रूट जो अमर मार्केट, क्लॉथ मार्केट जो है, अमर कॉलोनी मार्केट, क्लॉथ मार्केट से ले करके जो इंसिडेंट है वहाँ, और इंसिडेंट के आगे जो हमें कि वो जो बाइक्स थी वो कहाँ गई हैं, लगभग 450 कैमरों के सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले गए, पूरा रूट बनाया गया। फिर हमें उससे जानकारी मिल गई थी कि बाइक्स कितने बजे वहाँ पर आई अमर कॉलोनी मार्केट में, उसमें कौन से लड़के थे,
मतलब उनका हुलिया, और उसके बेसिस पे हमने डोजियर्स, CDR एनालिसिस, जो डंप डेटा एनालिसिस करना शुरू किया। तो अभी जो हमें सफलता प्राप्त हुई है उसमें एक डंप एनालिसिस के थ्रू एक नंबर आया। पहले वो नंबर हमें पता चला कि एक लड़का है जिसका नाम है हर्ष, और वो श्रीनिवासपुरी का रहने वाला है और वहाँ पे ड्राइवर का काम करता है, इको गाड़ी, इको वैन है उसके पास। हमने उस नंबर को ट्रेस किया तो पता चला कि वो नंबर की लोकेशन लगातार यूपी से दिल्ली की तरफ आ रही है, दासना, गाजीपुर, और वो दिल्ली में एंटर होने वाले थे। रात में 1 बजे करीब हमारी डिस्ट्रिक्ट की टीम अलॉन्ग विद ऑपरेशंस की टीम, मतलब डिस्ट्रिक्ट पुलिस और ऑपरेशंस की टीम ने अक्षरधाम के आगे ट्रैप लगा करके इस गाड़ी को पकड़ा। और इको वैन में उस समय 2 लड़के मौजूद थे, एक का नाम है हर्ष और दूसरे का नाम है रहमत। हर्ष और रहमत को हमने जब उठा लिया और उनको इंट्रोगेट किया तो उन्होंने बताया कि वो 3 लोगों को लेकर के गए थे मनाली की तरफ, और उनको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, पर जो जानकारी वो पीछे बात कर रहे थे उससे उनको जो जानकारी मिली थी उससे हमको बहुत इम्पॉर्टेंट क्लूज मिले। पहला क्लू तो ये मिला कि एक व्यक्ति जो कि मास्टरमाइंड हो सकता है वो श्रीनिवासपुरी का रहने वाला है। एक नंबर भी हमें मिला और उसका हमने लोकेशन और श्रीनिवासपुरी के लोकल इन्फॉर्मर्स के थ्रू जब जानकारी एकत्रित करी तो पाया कि उनकी लोकेशन खुर्जा, यूपी, बुलंदशहर में हो सकती है। और फिर ऑप्स की टीम और डिस्ट्रिक्ट की टीम ने मिलकर के वहाँ पे रेड करी और वहाँ से हमने 2 लोगों को उठाया। एक का नाम है अबू बाकर और दूसरे का नाम है ज़ीशान आलियास मंत्री। अबू बाकर और ज़ीशान जो हैं, ये इनका मामा भांजे का भी रिश्ता है और अबू बाकर इसमें मास्टरमाइंड है। अबू बाकर की ये एक कबाड़ी की दुकान चलाता है श्रीनिवासपुरी में, और इसी की जगह, इसी के घर, मुझे दुकान पे ये प्लानिंग पूरी हुई थी। और ज़ीशान जो है वो पहले एक कपड़े की दुकान पे उसी मार्केट में काम करता था, अमर कॉलोनी मार्केट में, और उसके पास ये इन्फॉर्मेशन थी कि इस तरीके से यहाँ पे एक व्यक्ति आता है जो कि पैसे कलेक्ट करता है और फिर वो लेकर के जाता है। ये सभी जो है वो इंस्टाग्राम वगैरह पे काफ़ी एक्टिव हैं ये दोनों लड़के, और इनके शौक अजीब से हैं और उसको पूरा करने के लिए इनको पैसे की आवश्यकता थी, जिसलिए इन्होंने पहली बार में ही बड़ा कैच करने का सोचा। तो जो 15 तारीख को इन्होंने घटना अंजाम दी है उसका एक्चुअल जो प्लानिंग शुरू हुई थी वो लगभग 3 महीने पहले शुरू हुई थी। ये ज़ीशान ने मार्च में लगभग ये नौकरी छोड़ दी थी और तब से ये इस फिराक में थे। बताते हैं कि 1-2 बार पहले भी अटेम्प्ट किया था पर सक्सेसफुल नहीं हो सका। इसमें इन्होंने 2 चोरी की बाइक्स यूज़ करी हैं जो इन्होंने लाजपत नगर मार्केट के एरिया से चुराई थी। और अब हमारे पास रिकवरी जो हमने अबू बाकर और ज़ीशान से कर ली है, और एक लड़का हमने और पकड़ा है जिसका नाम है आसिफ। ये 3 हमने पकड़ लिए हैं। एक बाइक हमने रिकवर कर ली है जो कि इंसिडेंट में यूज़ हुई है, और लगभग 21 लाख रुपए हमने रिकवर कर लिए हैं। इनका कहना है कि बैग में 38 लाख रुपए थे, और अभी 3 जो लोग हैं वो हमारी टीम्स उनको ढूंढ रही हैं और उनके पास से बाकी कैश की रिकवरी की हम उम्मीद रखते हैं। थैंक यू। टीम ने आरोपी आसिफ निवासी श्रीनिवासपुरी को उसकी प्रेमिका के साथ सोनीपत हरियाणा के एक ओयो होटल से पकड़ा, जो गिरफ्तारी से बचने के लिए हिमाचल प्रदेश के मनाली जा रहा था। पूछताछ करने पर आरोपी ज़ीशान ने खुलासा किया कि वह अमर कॉलोनी बाजार में एक कपड़े की दुकान पर काम करता था और अमर कॉलोनी बाजार से चांदनी चौक बाजार में नकदी के बारे में अच्छी तरह वाकिफ था। उसने रमजान के दौरान नौकरी छोड़ दी और अबू बकर और साथियों के साथ लूट की साजिश रची। घटना के दिन उसे एक सुनसान जगह पर डकैती करने का फैसला किया जहां से वह आसानी से बच सकते थे, जिसके बाद 2 बाइक पर आए 4 आरोपियों ने लूट की इस घटना को अंजाम देने के बाद लूट की रकम आपस में बांट ली थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 21,72,000 रुपए, एक इको वैन और एक बाइक बरामद की है। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। डिफेंस कॉलोनी फ्लाईओवर पर हथियारों के बल पर हुई लूट पुलिस के लिए चुनौती बन गई थी। करीब 450 CCTV फुटेज, डंप डाटा और टेक्निकल सर्विलांस की मदद लेकर पुलिस आरोपियों तक पहुंच सकी। हालांकि अभी इस गिरोह के 3 और आरोपी पकड़े जाने हैं, लेकिन जिसके बाद ही इस लूट का पूरी तरह से पर्दाफाश हो पाएगा। कैमरामैन हेमंत के साथ राकेश रावत, टॉप स्टोरी।
दिल्ली। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से राकेश रावत की रिपोर्ट।